गाइस, माय नेम इज संतोष कुमार एंड आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड माय नेम संतोष है और मैं अगली वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के द्वारा जो नई सर्विस स्टार्ट की गई है, गूगल एड बैलेंस स्लाइडर के बारे में। सो आइए बात करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या और इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नॉर्मली क्या होता है गूगल एडसेंस, जब भी कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर या फिर आपके ब्लॉग पर आता है तो उसको ऐड कुछ थ्रू किए जाते हैं और गूगल एडसेंस की जो एल्गोरिदम है उसके द्वारा विजिटर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऐड शो कराए जाते हैं। नॉर्मली जो कुछ एड्स वहाँ पर, ज़्यादातर एड्स ऐसे होते हैं जिनका CPC कॉस्ट बहुत कम होता है, यानी कि क्लिक पर कॉस्ट बहुत कम होता है और विजिटर उन एड्स पर क्लिक करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपके वो वाले एड्स जिनके CPC ज़्यादा है उन पर क्लिक नहीं हो पाता है और आपका जो रेवेन्यू होता है एवरेज CPC बहुत कम हो जाता है आपकी वेबसाइट का, आपके गूगल के ब्लॉग का। सो नॉर्मली इस गूगल बैलेंस एड बैलेंस स्लाइडर का यूज़ करके जब आप अपने ऐड की रेट को कम करेंगे, सपोज़ कीजिए आप अगर 20% ऐड की बैलेंस को कम करते हैं, रेट को कम करते हैं, फिर 30% कम करते हैं, तो आपकी वेबसाइट पर गूगल एड बैलेंस के द्वारा ऑटोमेटिकली सिंपली वो वाले ऐड थ्रू किए जाएंगे जिनका CPC हायर है, खाली वो वाले ऐड बच जाएंगे। और जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा वो ऑटोमेटिकली उन ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे या फिर उन एड्स पे क्लिक करेंगे जिनका CPC रेट ज़्यादा है। सो इस प्रकार से गूगल एड बैलेंस स्लाइडर का यूज़ करके आप अपने अननेसेसरी उन एड्स को रिमूव कर सकते हैं जिनका CPC रेवेन्यू कम था और आप अपनी वेबसाइट की जो रेवेन्यू है CPC मीन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोना वर्क फॉर यू गाइज एंड डेफिनेटली दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर दोज हु आर अ क्रिएटर एंड अ ब्लॉगर एंड दे आर यूजिंग देयर वेबसाइट और पेजेस टू मोनेटाइज बाय एडसेंस। एंड डेफिनेटली गाइज, अगर आप क्रिएटर हैं और आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई हुई है या फिर आप अपने गूगल एडसेंस का यूज़ कर रहे हैं अपने पेज को मोनेटाइज करने के लिए या फिर ब्लॉग का यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल एडसेंस स्लाइडर का यूज़ कीजिए, एड बैलेंस स्लाइडर का यूज़ कीजिए और इसका यूज़ करके आप अननेसेसरी उन ब्लॉग्स को, उन एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं जो कि CPC रेवेन्यू आपकी वेबसाइट के लिए कम जनरेट कर रहे हैं और डेफिनेटली गाइस इससे आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। गाइज, अगर आप एडसेंस के बारे में और भी जानना चाहते हैं या फिर उसके फीचर्स को और जानना चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो राइट। So that was all in this video guys and I hope you like it. If you do, please do give me a thumbs up and if you don't, please do give me a thumbs up. And definitely guys, you must be having something to say. Please do let me know in the comment section below. और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस संतोष कुमार साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।